हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड़ फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अवर सोशल स्टडी बुक ऑफ क्लास सिक्स इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी सिक्स क्लास की सोशल स्टडी बुक। एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टडिंग इन दीज डेज द सेकेंड लेसन ऑफ हिस्ट्री। इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन। वी हैव कंप्लीटेड वन लेसन फ्रॉम हिस्ट्री, वन लेसन फ्रॉम ज्योग्राफी एंड वन लेसन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी। हम लोग तीनों जो पार्ट है इस बुक के उसमें से वन लेसन ईच ऑफ द पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव स्टार्टेड द सेकंड लेसन फ्रॉम आवर प्रीवियस वीडियो फ्रॉम द हिस्ट्री पार्ट। हिस्ट्री का जो ये पार्ट है इसमें से हम पिछले वीडियो में हमने ये सेकेंड जो लेसन है वो स्टार्ट किया है। सो वी हैव टू गो फॉरवर्ड इन दिस लेसन टूडे। आज हम लोगों को जाना है इस लेसन में थोड़ा आगे। एंड द लेसन्स नेम इज, जो लेसन का नेम है वो है फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स। ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, बहुत पुराने समय के बारे में। तो जब उतना पुराना जो टाइम था उसमें इंसान, जब शुरुआती दौर था इंसानियत का, जब लोग सभ्यता और संस्कृति को सीख रहे थे, उस समय में जो व्यक्ति था, इंसान था, वो केवल या तो हंटर था यानी शिकारी था, या गैदरर था यानी चीजों को वो गैदर करता था, इकट्ठी करता था। तो हंटर और गैदरर वो शुरुआत में था, शिकारी और संग्राहक यानी चीजों को संग्रहण करने वाला वो था। वहां से फिर वो फार्मर कैसे बना, वो किसान कैसे बना, उसने खेती करना कैसे सीखा, क्यों सीखा, कहां पर इस तरह के एविडेंस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं कि उसने खेती करना सीखा था। तो यहां पर इस लेसन का जो नेम है वो है हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स, हंटर गैदरर्स से फार्मर्स तक, कि कैसे जो इंसान था वो शिकारी और संग्राहक से किसान बना। हम लोगों ने इस लेसन में स्टेपिंग इन कर लिया है, अंदर प्रवेश कर लिया है और फर्स्ट अपना जो पार्ट था, फर्स्ट जो वीडियो था इस लेसन का, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इस लेसन के और इनके आंसर्स मैंने आपको बताए थे। आप लोगों ने ये आंसर क्वेश्चन कर लिए होंगे और इसके साथ ही अपना जो लेसन है वो स्टार्ट होता है आज से। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी। आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द लेसन। आज का ये जो वीडियो है ये इस लेसन की शुरुआत है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। द अर्लीएस्ट पीरियड, जो अर्ली से बना है अर्लीएस्ट, जब किसी के पीछे ईएसटी लग जाता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है यानी सबसे, उसमें जुड़ जाता है सबसे, जैसे हाई यानी ऊंचा होता है लेकिन हाईएस्ट बन जाता है तो सबसे ऊंचा, स्मॉल स्मॉल यानी छोटा होता है लेकिन स्मॉलेस्ट बन जाता है तो सबसे छोटा। तो जब किसी में ईएसटी एड हो जाता है पीछे तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है और वो सबसे जुड़ जाता है उसमें, तो सबसे पुराना, अर्ली का मतलब होता है पुराना और अर्लीएस्ट यानी सबसे पुराना, सबसे प्राचीन। द अर्लीएस्ट पीरियड, जो सबसे प्राचीन समय था इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, मनुष्यों की इतिहास का जो सबसे अर्लीएस्ट पीरियड था, जो सबसे प्राचीन समय था, व्हेन, जब रिटन लैंग्वेज हैड नॉट डेवलप्ड, जो लिखित भाषा थी हैड नॉट डेवलप्ड, वो विकसित नहीं हो चुकी थी। ये उस समय की बात की जा रही है जब लिखना पढ़ना नहीं आता था इंसान को, जब लैंग्वेज डेवलप्ड नहीं थी, भाषा नहीं थी, तो उस जमाने की लिखी हुई कोई चीज मिल नहीं सकती है अपने को, क्योंकि लिखा ही नहीं गया उस जमाने में, कुछ आता ही नहीं था लिखना, लैंग्वेज डेवलप ही नहीं हुई थी उस जमाने में। तो ये बात उस समय की हो रही है, उस अर्लीएस्ट टाइम की बात हो रही है, प्राचीन समय की बात हो रही है। इज नॉन एज प्री हिस्ट्री, इस समय को प्री हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो प्री हिस्ट्री यानी पूरा पूर्व इतिहास, इसको ऐसे अगर अपने इसको ट्रांसलेट करें
तो पूर्व इतिहास कहते हैं, या इसके लिए शब्द है प्रागेतिहास कहते हैं इसको, प्रागेतिहासिक समय ऐसा बोलते हैं। प्री हिस्ट्री इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रागेतिहासिक समय। तो ये प्राग इतिहास को दोनों शब्दों को मिलाया तो प्रागेतिहासिक बन गया। प्राग इतिहास की बात हो रही है, प्राग इतिहास जब शब्द आता है इसका मतलब है प्री हिस्ट्री, और प्री हिस्ट्री वो टाइम था जब लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, जब भाषा का विकास नहीं हुआ था। वी गेट ऑल इंफॉर्मेशन, हम प्राप्त करते हैं सभी इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं अबाउट दिस पीरियड, इस समय के बारे में, फ्रॉम फॉसिल्स, जीवाश्मों से, जीवाश्म यानी जीवों के जो अंश मिलते हैं उनको फॉसिल्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको जीवाश्म। जीवों के अंश, भले ही वो इंसानों के हो, जानवरों के हो या पेड़ पौधों के हो, अगर कोई उनके अंश मिलते हैं आज भी, उतने प्राचीन समय से कोई अंश पड़े हैं उनके अगर कहीं पर और वो मिलते हैं तो उसको फॉसिल्स कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। उन्हीं से पता चलता है उस जमाने का, क्योंकि लैंग्वेज तो थी नहीं, लिखा हुआ कुछ मिलेगा नहीं उस जमाने का, तो उस जमाने के जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें उस जमाने की, प्री हिस्ट्री की, प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिकल टाइम कह सकते हैं अपन उसको, प्री हिस्टोरिकल टाइम की जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो फॉसिल्स से मिलती है, जीवाश्मों से मिलती है। अब फॉसिल्स में कौन कौन सी चीजें मिलती है हमें, बोन्स यानी हड्डियां मिल जाती कई बार उस जमाने की, स्केलेटन यानी कंकाल मिल जाते हैं हड्डियों के उस जमाने के। तो ये हड्डियां और हड्डियों के कंकाल जो मिलते हैं उन्हीं से बस उस जमाने की कुछ बातों का पता चलता है कि कैसे लोग रहते थे, कैसे कुछ करते थे वो। एंड आर्टिफैक्ट्स, और कई बार उस जमाने की कुछ कलाकृतियां मिल जाती है, यानी उस जमाने में इंसान को भले ही लैंग्वेज तो नहीं आती थी पर अपने हिसाब से कुछ वो बनाता तो था ही, औजार वगैरह कुछ अपने, तो वो आर्टिफैक्ट्स भी मिल जाते हैं कई बार, कलाकृतियां आर्टिफैक्ट्स मिल जाते हैं, सच एज टूल्स। अब वो कलाकृतियां क्या मिलती है, टूल्स यानी औजार मिल जाते हैं कई बार उस जमाने के, केव पेंटिंग्स, गुफाओं में वो चित्रकारी करता था उस जमाने में आदमी, गुफाओं में, तो वो केव यानी गुफा पेंटिंग्स, गुफाओं की पेंटिंग्स मिलती है कई जगह पर, उससे उस जमाने का पता चलता है। पॉटरी यानी बर्तन बनाते थे उस जमाने में जो इंसान थे, भाई खाने पीने के लिए कुछ तो बनाते होंगे वो टेढ़ा मेढ़ा, तो वो पॉटरी यानी होता है बर्तन बनाने का काम, तो पॉटरी मिल जाती है, बर्तन मिल जाते हैं उस जमाने के, तो ये एटसेट्रा यानी आदि, ये सारी चीजें बस मिलती है उस जमाने की, तो उसी से आज हमें उस जमाने के बारे में पता चलता है, प्री हिस्टोरिकल टाइम के बारे में, बाकी कुछ लिखा पढ़ा नहीं मिलता वहां का उस जमाने का। हाउ एवर, हालांकि, एज नो रिटन रिकॉर्ड्स, कि कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है, हाथ से लिखी हुई कोई चीज, पांडुलिपि कहते हैं हिंदी में इसको, हस्तलिपि या पांडुलिपि। पुराने जमाने में प्रेस तो थी नहीं तो लोग हाथ से ही लिखते थे, तो उस टाइप की कोई मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी नहीं है, लिखेंगे क्या, उनको लैंग्वेज ही डेवलप नहीं हुई थी, तो कोई मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी हस्तलिपि या कोई रिटन रिकॉर्ड्स यानी लिखा हुआ रिकॉर्ड्स ये नहीं मिलता ऑफ दैट टाइम, उस जमाने का, वॉज अवेलेबल, वो नो रिटन, नो यानी नो अवेलेबल यानी नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उस जमाने का कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी हाथ से लिखी हुई कोई रचनाएं भी उपलब्ध नहीं है उस समय की। अवर नॉलेज, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो नॉलेज है अबाउट इट, इसके बारे में, इज वेरी लिमिटेड, बहुत सीमित है। अब ज्यादा चीजें है ही नहीं उस जमाने की तो नॉलेज कहां से आएगा, तो जो नॉलेज है उस जमाने का, प्री हिस्टोरिकल टाइम का जो नॉलेज है वो ज्यादा नहीं है इंसान के पास में, हमारे पास में, वहां उस जमाने में क्या था क्या नहीं था, बहुत लिमिटेड नॉलेज है हमारा उसके बारे में। हालांकि बाद में जब इंसान ने कई चीजें खोज कर ली, पढ़ना लिखना सीख लिया, भाषा का विकास हो गया, तब उसके बाद तो बहुत चीजें हैं, उसके बाद की तो बहुत चीजें हैं, और इसलिए हमें उसकी जानकारी भी बहुत है उसके बाद वाले टाइम की, लेकिन उस जमाने की जानकारी ज्यादा नहीं है जब लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी।
तो वहां का उस जमाने का जो नॉलेज है हमें वो बहुत लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड। द पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री, ये जो प्री हिस्ट्री का जो पीरियड था, ये जो प्राग इतिहास का जो समय था, एंडेड, ये खत्म हुआ व्हेन पीपल लर्न टू रीड एंड राइट, जब लोगों ने सीखा पढ़ना और लिखना। जब लोगों ने पढ़ना और लिखना सीख लिया तब ये जो टाइम था वो समाप्त माना जाता है। जो प्री हिस्ट्री का जो टाइम है वो तब तक ही माना जाता है जब तक इंसान ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई, तब तक का जो टाइम है वो प्री हिस्ट्री माना जाता है। ये एंड हो गया जब इंसान ने, लोगों ने लर्न द रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना सीख लिया। दिस हैपन्ड एट डिफरेंट टाइम्स, ये जो पढ़ना लिखना सीखने का काम था ये हुआ अलग अलग समय में इन डिफरेंट प्लेसेज, अलग अलग स्थानों पर। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग रहते थे उस जमाने में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, उन्होंने साथ ही पढ़ना लिखना सीख लिया सबने, ऐसा नहीं है। अलग अलग दुनिया के अलग अलग भागों में जो अलग अलग लोग रहते थे प्री हिस्ट्री टाइम में, तो उन्होंने कभी किसी किसी हिस्से के लोगों ने कभी सीखा, किसी हिस्से के लोगों ने कभी सीखा। तो ये जो एंडेड माना जाता है, ये जो समय खत्म हुआ हुआ माना जाता है प्री हिस्ट्री का, ये अलग अलग दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुआ। क्योंकि ये खत्म कब हुआ, जब लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा। तो जैसे भारत के लोगों ने पहले पढ़ना लिखना सीख लिया, दुनिया के दूसरे स्थानों पर जो जंगली लोग रहते थे उन्होंने बाद में सीखा। तो ये प्री हिस्ट्री का जो टाइम है ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में खत्म हुआ। अगला पॉइंट है प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस एंड देयर लाइफ, जो प्राग ऐतिहासिक जो मनुष्य था और उसका जीवन। प्री हिस्टोरिक को हिंदी में हम प्राग इतिहास कह रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक मनुष्य, ह्यूमंस यानी मनुष्य, एंड देयर लाइफ, और उनका जीवन कैसा था। उनका जीवन जब लोग वो भाषा भी नहीं जानते थे, ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उनका जीवन कैसा था। आज जो हमें उनके फॉसिल्स मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, या कोई आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, उनके द्वारा जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो जानकारियां जुटाई है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि उनका जीवन कैसा था। ऐसा अनुमान लगाया है, देखा तो किसी ने है नहीं उनको, बस उनकी चीजें जो मिली है अपने को उनसे हम लोगों ने अनुमान लगाया है। मॉडर्न मैन यानी आधुनिक व्यक्ति या मनुष्य, और द होमोसिपियंस, देखो आज का जो आदमी है ना, आज जो हम लोग हैं, हमें होमोसिपियंस कहा जाता है। हमारा जो अभी रूप है, जिस प्रकार के लोग अभी है इस धरती पर, वो होमोसेपियंस कहे जाते हैं। तो जिसको मॉडर्न मैन भी कह सकते हैं, आधुनिक मनुष्य भी कह सकते हैं। तो आधुनिक मनुष्य जो है आज का, और द होमोसेपियंस, और होमोसेपियंस जो, जिनको होमोसेपियंस भी कह सकते हैं, अपियर्ड, फर्स्ट अपियर्ड ऑन द अर्थ, पहली बार धरती पर प्रकट हुए अबाउट 40 हंड्रेड ईयर्स एगो, लगभग 40,000 वर्ष पहले। आज का जो जिस तरह का मनुष्य दिखाई दे रहा है ना हमें, ये होमोसेपियंस प्रजाति कहलाती है वैज्ञानिकों की भाषा में। और ये वैज्ञानिक मानते हैं कि इस टाइप का आदमी 40,000 साल पहले यहाँ धरती पर प्रकट हुआ। प्रकट हुआ मतलब आया ध्यान, मतलब पैदा हुआ। उससे पहले उनकी अलग जाति थी, मतलब अलग टाइप के होते थे वो, जंगली टाइप के, मतलब जैसे जानवर होते हैं ना जंगल में, ऐसे ही एक कोई जानवर टाइप थे। तो इंसानी, मतलब स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस था उसमें। तो ये आज की जो जाति है होमोसेपियंस जिसको कहा जा रहा है, ये वैज्ञानिक मानते हैं कि 40 हंड्रेड ईयर्स, 40,000 ईयर्स एगो ये अपियर्ड हुए, ये ध्यान में आए, प्रकट हुए इस धरती पर, या इनका उद्भव हुआ, ये विकसित हुए इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये आज दिख रहे हैं। इस तरह की जो घटना हुई वो 40,000 ईयर्स एगो, 40,000 वर्ष पहले हुई। होमोसेपियंस या मॉडर्न मैन जिसको कहते हैं आज, वो अपियर्ड हुए। एक्सपर्ट्स बिलीव, जो विशेषज्ञ हैं इन बातों के, वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो बिलीव यानी वो विश्वास करते हैं दैट कि दे इवॉल्व्ड, उनका उद्भव हुआ, उनका विकास हुआ फ्रॉम होमिनिड्स।
अभी के लोग हैं वो तो होमो सेपियंस कहलाते हैं, उससे पहले की जो जाति होती थी वो होमिनिड कहलाती थी, तो उनको होमिनिड से वो इवॉल्व हुए आज वाले। होमो सेपियंस कहां से आए? होमो सेपियंस आए होमिनिड से, होमिनिड से उनका इवोल्यूशन हुआ, उनका विकास हुआ, तो वो क्या बन गए? होमो सेपियंस बन गए। तो होमिनिड से वो इवॉल्व हुए ऐसा मानते हैं एक्सपर्ट लोग। अब होमिनिड क्या थे? जो पहले होमिनिड हुआ करते थे, जो बाद में होमो सेपियंस बन गए 40,000 वर्ष पहले, वो होमिनिड क्या होते थे, कैसे होते थे? ह्यूमन लाइक क्रीचर्स, मनुष्य जैसे जानवर थे वो। होमिनिड जो थे वो ह्यूमन लाइक क्रीचर्स थे, वो मनुष्य के जैसे जानवर होते थे, वो होमिनिड होते थे, और उनसे फिर होमो सेपियंस बन गए 40,000 साल पहले। हु कुड वॉक, जो चल सकते थे, स्टैंड यानी खड़े रह सकते थे, इरेक्ट यानी सीधे। बाकी जानवर सीधे कहाँ रह सकते हैं? देखो आप, सीधा चलने वाला जानवर कौन होता है? सब चार पैरों पे चलते हैं। दो पैरों पे चलने वाला कौन है? इंसान ही है। तो जो आदमी जितना सीधा रहता है ना, उतना ही विकास होता है उसका। इसीलिए आपको कहते हैं स्टूडेंट्स को, झुक के मत बैठो। मनुष्य का जो बैकबोन है, मेरुदंड है, वो जितना आप स्ट्रेट रखोगे ना, उतना ही आपका माइंड डेवलप होगा। जैसे जैसे इंसान सीधा खड़ा हुआ ना, वैसे वैसे उसका दिमाग चलना शुरू हुआ, फिर उसने कई चीजें सीखी। तो ये वो जो पुराना वाला होमोनिड होता था, वो ऐसा एक जानवर होता था ह्यूमन लाइक, मनुष्य की जैसा। हु कुड वॉक, जो चल सकता था, स्टैंड यानी खड़ा रह सकता था, इरेक्ट यानी सीधा, एंड न्यू, और वो जानता था होमोनिड जो था, हाउ टू मेक फायर, कि आग कैसे जलाई जाती, आग को जलाना आता था उसको, एंड यूज, और उसको यूज कैसे किया जाता है ये उसको आता था। होमिनिड्स बिकम, होमिनिड बन गए एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो गए वो तो गायब हो गए जो होमिनिड। अब कोई पूछे आज कहाँ गए वो लोग, आज क्यों नहीं है वो? कोई ये भी पूछ सकता है कि इस तरह के अगर थे वो तो आज कहाँ गए वो? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वो गायब हो गए, वो इसमें बदल गए, होमोसोपियंस में बदल गए वो, और अब वो एक्सटिंक्ट हो गए यानी वो विलुप्त हो गई, वो प्रजाति है ही नहीं अब वो। होमिनिड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, होमिनिड हो गए विलुप्त यानी वो तो हो गए गायब, लॉन्ग एगो, बहुत पहले, बहुत सालों पहले होमिनिड तो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। बट दे लिव्ड, लेकिन वो रहे ऑन अर्थ यानी धरती पर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों सालों तक वो धरती पर रहे। अभी तो वो गायब हो गए हैं कुछ समय पहले, अब कितने समय पहले हुए ये नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन हजारों साल पहले ही वो गायब हो गए, और वो हजारों सालों तक रहे इस धरती पर। कौन, किसकी बात हो रही? होमिनिड्स की। पहले होमिनिड्स हुआ करते थे मनुष्य जैसे, ह्यूमन लाइक क्रीचर, और बाद में वो 40,000 साल पहले, आज से 40,000 साल पहले, वो कन्वर्ट हो गए होमो सेपियंस में, जिसको आज का मानव कहा जाता है। ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स के दौरान, अभी हम उसी की बात कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम के जो होमिनिड्स हुआ करते थे, होमिनिड्स तो नहीं, होमो सेपियंस हो गए थे, लेकिन वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे जिस समय में, उस समय को प्री हिस्टोरिक बोला है जब लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी। ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम के समय लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग प्रकार का जीवन था, डिफरेंट था लाइफ, बहुत डिफरेंट थी, अलग थी, ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल टूडे, और लगभग आज उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अनइमेजिनेबल है आज, यानी आज उसकी इमेजिन भी नहीं कर सकते उसको अपन। ऐसा अलग प्रकार का जीवन हुआ करता था उस समय प्री हिस्टोरिक टाइम में इंसान का, कि वो ऑलमोस्ट यानी लगभग अनइमेजिनेबल टूडे, आज वो लगभग अनइमेजिनेबल है, यानी आज हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना अलग टाइम था वो। अर्ली अर्ली ह्यूमंस यानी जो प्राचीन मनुष्य थे, डिड नॉट नो, नहीं जानते थे हाउ टू ग्रो देयर ओवन फूड, कि अपना खुद का भोजन कैसे उगाया जाए। उनको खेती करना नहीं आता था उस समय, वो ग्रो करना नहीं जानते थे अपना भोजन, वो उगाना नहीं जानते थे उस समय। दे हैड टू डिफेंड देम सेल्वेज, उनको
उनको स्वयं को डिफेंड यानी रक्षा करनी होती थी फ्रॉम वाइल्ड बेट्स, जंगली जानवरों से। अब वो न तो उनको खेती करना आता था, न उनको भाषा उनकी डेवलप थी, लिखना पढ़ना आता था। उनको जंगली जानवरों से, वाइल्ड बेस्ट्स यानी जंगली जानवरों से उनको अपने आप को डिफेंड करना पड़ता था, उनसे बचना पड़ता था। उनको आइसी विंटर्स यानी बर्फीली सर्दियां होती थी, उनसे अपने आप को बचाना होता था। उनको घर वर तो थे नहीं उनके पास। रेन्स यानी बारिश होती थी, तो बारिश से बचना पड़ता था। एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर, और प्रकृति के जो दूसरे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सबसे भी अपने आप को बचाना पड़ता था। तो वो उस जमाने में न तो उनके पास घर थे, न कोई खेती थी, वो खुले जैसे जानवर की तरह ही एक तरह से होते थे वो। तो उनको अपने आप को, अपने जिंदगी को जंगली जानवरों से भी बचाना होता था। बारिश भी गिरती थी तो उससे बचना होता था। और दूसरी जो जो प्राकृतिक तत्व हैं, या सर्दियां थी भयंकर बर्फीली सर्दियां, तो ये सब से उनको अपने आप को बचाना होता था। दे हंटेड एनिमल्स, वे शिकार करते थे जानवरों का। दे हंटेड यानी वे शिकार करते थे एनिमल्स यानी जानवरों का। फॉर देयर मीट, उनके मांस के लिए, जानवरों के मांस के लिए। एंड गैदर्ड, और वो इकट्ठा करते थे, गैदर्ड यानी वो चीजें इकट्ठे करते थे, फ्रूट्स यानी फल इकट्ठे करते थे, नट्स यानी मेवे, रूट्स यानी जड़ें, हनी यानी शहद, बेरीज यानी बोर एटसेट्रा आदि, ऐसी चीजें वो इकट्ठी करते थे और शिकार करते थे। फ्रॉम द प्लेंटीफुल फॉरेस्ट्स, जो प्रचुर जंगल थे, जंगल फॉरेस्ट यानी जंगल, प्लेंटीफुल यानी जिनमें पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में ये चीजें होती थी, उन जंगलों से। अब उस समय में जंगल तो जंगल ही थे और कुछ था ही नहीं, मकान थोड़ी थे या खेत थोड़ी थे, जंगल ही था पूरी दुनिया। तो वो जंगलों में हर चीज उनकी मिलती थी उनको, तो वहां से फिर वो उन चीजों को गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। फ्रॉम द प्लेंटीफुल फॉरेस्ट यानी प्रचुर जो जंगल थे, समृद्ध जो जंगल थे, वहां से वो चीजों को इकट्ठा करते थे और शिकार करते थे। दे आर दस टर्न्ड हंटर्स गैदरर्स, दे आर दस यानी इस तरह से वे टर्न्ड, उनको टर्म किया गया यानी उनको कहा जाता है, टर्म यानी होता है कोई विशेष शब्द। इसीलिए इसी प्रकार से उनको टर्म्ड यानी उनको नाम दिया गया हंटर्स गैदरर्स, इसीलिए उनको हंटर गैदरर कहा गया। हंटर यानी शिकारी और गैदरर यानी चीजों को इकट्ठा करने वाला संग्राहक, संग्रहण करने वाला संग्राहक। तो शिकारी और संग्राहक, लेसन का नाम भी तो यही है ना, फ्रॉम हंटर गैदरर टू फार्मर्स, कि हंटर गैदरर से फार्मर कैसे बना कि आदमी या इंसान। तो इसीलिए उनको नाम दिया गया हंटर्स गैदरर्स, क्योंकि वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और गैदर करते थे चीजों को, इकट्ठी करते थे, फल है, नट्स है, रूट्स है, जड़े हैं, ऐसी जो उनकी काम की चीजें होती थी उनको वो इकट्ठा करते थे। इसीलिए उनको टर्म दी गई है हंटर गैदरर। दे वर नोमेडिव पीपल, नोमेडिव का मतलब होता है जो भटकते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं रहते हैं, यायावर भी कहते हैं हिंदी में इसको। नोमेडिक मतलब खाना बदोश, जो एक जगह नहीं रहते, घूमते रहते हैं बस। दे वर नोमेडिक पीपल, वे खाना बदोश लोग थे, वो यायावर लोग थे यानी घूमते रहते थे। हु मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इन सर्च ऑफ फूड एंड वॉटर, भोजन और पानी की तलाश में। एज द एनिमल हर्बीवोरस, जैसे कि जो जानवर होते हैं हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, दो प्रकार के होते हैं, हर्बीवोरस और कर्निवोरस। कर्निवोरस तो मांसाहारी होते हैं, हर्बीवोरस यानी शाकाहारी। जैसे कि शाकाहारी जानवर होते हैं मूव्ड इन मास माइग्रेशन, जैसे कि जो शाकाहारी जानवर कैसे गाय भैंस बकरियां, ये मास यानी समूह में माइग्रेशंस, जैसे जानवर झुंड में माइग्रेशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मास माइग्रेशन होता है उनका, झुंड में उनका माइग्रेशन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे शाकाहारी जानवर।
जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे कैसे वो घूमते हैं, इन सर्च ऑफ ग्रीनर रीजन, ज्यादा हरे क्षेत्रों की तलाश में। देखा आपने कुछ जो जंगली जानवर होते हैं ना, जैसे हिरण है जो शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं, शाकाहारी, वो झुंड में फिर क्या है कि हरियाली की तलाश में घूमते रहते हैं झुंड में। तो वो ग्रीनर, ग्रीन से बना है ग्रीनर, यानी ज्यादा हरे क्षेत्रों की तलाश में। जैसे जानवर जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, वो जैसे माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह नहीं होता चरने के लिए तो नए क्षेत्रों में चले जाते हैं, उस तरह से वो करते थे। द अर्ली मैन डिपेंडेंट, जो प्राचीन मनुष्य था, डिपेंडेंट यानी वो निर्भर था ऑन देम, यानी उन पर, फॉर फूड एंड हाइड्स, भोजन और बचने के लिए। मूव्ड अलोंग विद देम, वो उनके साथ में घूमता रहता था, यानी वो जो जानवर घूमते थे ना, तो उनके साथ साथ ये इंसान भी घूमता रहता था, क्योंकि उनसे, इन जानवरों से उनको शिकार मिल जाता था, और उनसे और भी छुप जाते थे वो, हाइड से यानी उनमें छुप जाते थे। तो वो जो जानवर घूमते थे हरियाली की तलाश में, उनके साथ साथ ये इंसान भी मूव्ड यानी घूमते रहते थे। दे आल्सो हैड टू मूव टू अनोदर प्लेसेज, उनको दूसरे स्थानों पर, अनोदर प्लेसेज यानी दूसरे स्थानों पर, हैड टू मूव यानी जाना पड़ता था, टू एस्केप हार्श क्लाइमेट्स, यानी कठोर जो जलवायु होती थी, कई बार बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी कहीं पड़ती थी, हार्श क्लाइमेट यानी कठोर जलवायु होती थी, उससे एस्केप यानी बचकर निकलने के लिए भी कई बार उनको अदर प्लेसेज यानी दूसरे स्थानों पर हैड टू मूव यानी जाना पड़ता था। यानी एक तो भोजन और पानी की तलाश में तो उनको जाना ही पड़ता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन कई बार वो हार्श क्लाइमेट से एस्केप करने के लिए, यानी कठोर जलवायु से बचकर निकलने के लिए भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तो अपन ने देखा अभी इन लाइनों में कि कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। तो वो जाते थे एक तो हार्श क्लाइमेट से बचने के लिए, और ज्यादा ग्रीनर रीजन्स को ढूंढने के लिए, फूड एंड वाटर की सर्च में जाते थे वो। और वो जो हर्बीवोरस एनिमल्स जो घूमते थे हरियाली की तलाश में चरने के लिए, उनके साथ में इनको घूमना पड़ता था, क्योंकि उनसे इनको शिकार और छुपने के लिए जगह मिल जाती थी। कुछ लाइनें और है, वो भी पढ़ लेते हैं। इन दिस इरा, इरा का मतलब होता है युग या समय, एक कालखंड, एक समय जिसको, एक निश्चित समय जो होता है वो इरा कहलाता है, युग कहते हैं हिंदी में। इन दिस इरा, इस युग में, ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स, इस समय में मनुष्य रहता था तो गुफाओं में रहता था, जैसे जानवर भी शेर गुफा में रहता है ना, ऐसे ही मनुष्य भी गुफाओं में रहता था। एंड स्मॉल प्राइमेटिव हट्स, और छोटी छोटी आदिम झोंपड़ियां भी बनाई थी उसने कहीं कहीं। प्राइमेटिव हट्स, उसने स्मॉल यानी छोटी छोटी, प्राइमेटिव यानी प्राचीन या आदिम, हट्स यानी झोपड़ियां भी बनाई थी, और गुफाओं में भी वो रहता था। मेड ऑफ ट्विग्स, और वो झोपड़ियां कैसे बनाता था, किससे बनाता था, ट्विग्स यानी पेड़ की डालियों से, लॉग्स यानी पेड़ के जो लट्ठे होते थे उनसे, एंड एनिमल स्किन, और जानवरों की खाल से, इनसे वो ऐसी झोपड़ियां जैसी बनाया करता था, उनमें रहता था या तो, या कैव्स यानी गुफाओं में रहता था। दे स्टिचेज ट्री बार्क्स, वे सिलाई करते थे, सिलाई करना आता था उनको। दे स्टिचेज स्टिच्ड, वे सिलाई करते थे ट्री बार्क्स यानी पेड़ की छालों की, पेड़ की जो छाल होती है बार्क, उसकी वो स्टिच करते थे, सिलाई करते थे। एंड एनिमल स्किन, और जानवरों की खाल को भी सिलते थे, टू मेक क्लॉथ्स, कपड़े बनाने के लिए। तो जानवरों की खाल के सिलाई करके वो कपड़े बनाते थे, और पेड़ों की छाल के भी कपड़े बना लेते थे पहनने के लिए। दे आल्सो यूज्ड, वे ये भी यूज करते थे, ए वैरायटी ऑफ टूल्स, वे औजार, तरह तरह के औजार भी यूज करते थे, टूल्स भी, मेड ऑफ स्टोन्स जो कि पत्थरों से बने होते थे, स्टिक्स यानी लकड़ियों से बने होते थे, एंड बोन्स यानी हड्डियों से बने होते थे। उनके जो औजार होते थे उस जमाने में, उस युग में, उस इरा में, वो या तो पत्थर से बने होते होते, स्टोन्स से,
या स्टिक्स यानी कोई लकड़ियां जो मिल जाती थी उनसे बना लेते थे वो, या जो हड्डियां मिल जाती थी मरे हुए जानवरों की और इंसानों की उनसे बना लेते थे, टू प्रोटेक्ट देम सेल्वेज, उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों से, टू हंट एनिमल्स शिकार करने के लिए जानवरों का, फॉर फूड एंड द चॉप ट्रीज, फूड यानी भोजन के लिए, एंड टू चॉप ट्रीज यानी पेड़ों को काटने के लिए। वो ये टूल्स यूज क्यों करते थे? शिकार करने के लिए और पेड़ों को चॉप यानी काटने के लिए एटसेट्रा आदि। तो ऐसा उनका जीवन था। अभी हम कई चीजों के बारे में और पढ़ेंगे। स्टोन टूल्स यानी पत्थरों के औजार बनाते थे वो। तो कैसे बनाते थे? देखो, उस जमाने के ये पत्थरों के औजार हैं, ऐसे औजार बनाते थे वो। भाषा का विकास अभी भी नहीं हुआ है, ये उस जमाने की बात पढ़ रहे हैं हम, जब लैंग्वेज डेवलप्ड नहीं थी। ये चीजें वो करते थे। क्या क्या करते थे अभी हम पढ़ रहे हैं कि वो घूमते रहते थे गुफा में, या फिर ऐसी झोपड़ी बना के रहते थे, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल को सिलाई करके पहनते थे, पत्थर के, लकड़ी के या हड्डियों के औजार बनाते थे वो, उससे वो शिकार करते थे और अपने आप की रक्षा भी करते थे जंगली जानवरों से, और पेड़ काटने के लिए काम में लेते थे उन औजारों को। तो इस तरह से हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, उस जमाने के बारे में जिसको प्री हिस्टोरिक टाइम कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं हिंदी में, और इस इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम। तो आज का अपना टाइम ओवर हो चुका है, सो वी हैव टू फिनिश द वीडियो। वी विल स्टडी अबाउट मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दीज ह्यूमंस। इन ह्यूमंस के बारे में हम और भी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।